ज्ञानपुग्रां जस्याञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय मद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कथितानां पावनेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद प्रतिमा नितलीला प्रकृष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धार्थ जी गोस्वामी महाराज के चरणों का मन अनंत रूप साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रतिमा नितलीला प्रकृष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशक्ति हरे कृष्णा। भागवत का एक श्लोक सुन लेते हैं कि ये श्री वित्रासुर का उपाख्यान है। श्रील विश्वनाथ गुरु ठाकुर कहते हैं ये भागवत किसको कहते हैं, मतलब भागवत उसे कहते हैं जिसमें श्री वित्रासुर की कथा हो, जिसमें श्री वित्रासुर की उपाख्यान हो उसको भागवत कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट वो श्लोक है, हमने चार श्लोक को द्वारा भगवान को स्तुति किया, हम लोग एक श्लोक सुनेंगे। कहते भगवान के प्रति हमारी प्रेम कैसे होनी चाहिए, तो लोग उदाहरण देकर कहते हैं बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा। अब देखे होंगे जो कोई चिड़िया घोंसला में अंडा देता है, अभी अभी अंडा फूटा है, अब उसका पग भी नहीं निकला, मैया उसको घोंसला में छोड़ करके वो दाना चुनने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बच्चा बड़ा डर रहता है, क्यों कोई दूसरे चील हैं नहीं तो ऊपर बिड़ाल कोई आकर उसको बिल्ली आकर खा दी जाए, बड़ा और डरता रहता है कि मैया चली जाती दाना लाने के लिए। वो हर समय देखती रहती है मैया कब आएगी मैया कब आएगी मैया कब आएगी, अगर थोड़ी सी खटर शब्द हो ना से दिखने लग जाती मैया सदा मैया सदा। अब जो मैया जब उसकी खाना लेकर के आ जाए, आप कभी देखे होंगे वो कैसे उत्कंठा होकर रहती है, मुंह खोल देती है मैया उसको मुंह में दाना देती है, हाँ चो कर खाता रहता है हैं। अभी जब मैया उसको खाना खिला देती है फिर मैया की गोद में चुपचाप सो जाती है, लेकिन मैया जब चली जाती तब बड़ी उत्कंठा रहती है, कब मैया आएगी कब मैया आएगी, लेकिन मैया खाना खिला के बाद चुपचाप सो जाती है। यहाँ पर उदाहरण दिया कि ऐसे भगवान के प्रति प्रेम होनी चाहिए, जो तब तक मैया 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 करते रहे जब तक मैया खाना ला कर नहीं देते, अरे मैया के खाना खा ले चुपचाप सो जाए, नहीं उन्होंने देखा आप हाँ इसमें तो उत्कंठा है पर भगवान को पाने के लिए तो उत्कंठा है, लेकिन वो जो उत्कंठा है ना वो स्वार्थ में, तब तक मैया मैया कहेंगी जब तक मैया खाना खिलाती तब तक वो सो जाता। उन्होंने देखा कि बोले उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण जैसे बछड़ा, अब देखे होंगे जब मैया अभी तो घर में गैया बांध देते, पहले गैया क्या होता था दाना खाने के लिए घास खाने के लिए घर से बाहर चल जाती, घर में बछड़ा रहता था बंधा हुआ, सवेरे एक बार दूध पिला करके माँ चली जाती, वो चली जाती वो शाम को घास खा करके आता है। आप देखना वो जो बछड़ा हम्बा 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 वो माँ 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 करता रहता, मतलब कब कब मैया आएगी कब मेरे को दूध पिलाएगी, और जितना शाम होता है वो उतना हम्बा हम्बा माँ माँ बोलता है मैया कब आएगी दूध कब पिलाएगी मैया आएगी कब दूध पिलाएगी। अब देखे होंगे जब बछड़े बंधा हुआ होता है ना, मैया अगर आ जाए अब बछड़ा को रस्सी भी खोल नहीं सकते, कितनी छलांग ला करती हैं तेजी से मैया के पास उठा लो उसको रस्सी भी खोला नहीं जाएगा। फिर जब मैं बछड़ा जा करके गैया ऐसे दूध नहीं देता
जब तक तो बचा नहीं जाएगा ना वो दूध नहीं देगा, जा करके फल को इसे से मारेगा, उसको मैया उसको गैया को फिर बछड़े को माता जी चाटती रहती हैं। जब उसका हृदय द्रगुरू तो होती है गैया की, तभी जा करके गैया के स्तन से दूध उतरती, नहीं तो स्तन से दूध नहीं उतरती। लेकिन मैया जब बछड़ा को खाना खिला दूध पी दे फिर तो बछड़ा खोज हो जाता है, फिर इधर उधर कूदता है खेलता रहता है। मेरे उन्होंने ये उदाहरण दिया बोले प्रभु जैसे एक बछड़ा उसके हृदय में उत्कंठा माँ कब आएगी, कब माँ कब आएगी, माँ कब दूध पिलाएगी, माँ कब दूध पिलाएगी, ऐसे हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति उत्कंठा रहे, कब ठाकुर मिलेंगे, कब ठाकुर मिलेंगे, कब ठाकुर मिलेंगे, ऐसे हमारे मन में उत्कंठा रहनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन लेकिन वो भी जब दूध पी लेता है फिर तो भैया चिंता नहीं करते, उधर तक खेलता रहता है फिर तब तक क्या भगवान को पुकार, जब तक भगवान दूध नहीं पिला दे, जब दूध पिला दे फिर हम भगवान की कोई चिंता नहीं, फिर हम कुदकते रहे फिर खेलते रहे क्या ऐसे हैं। लेकिन वो चिड़िया से ये उदाहरण अच्छा है क्योंकि तब तक मैया के स्तन में दूध नहीं आती जब तक बछड़ा तो नहीं, इसलिए स्तन दूध और माँ एक ही वस्तु है, हृदय द्रवीभूत होने पर तभी वो दूध उतरती है, लेकिन दूध नहीं उतरती है। इसलिए वहाँ पर खाना अलग था और वहाँ पर उसका जो पक्षी अलग था, लेकिन यहाँ पर उनका माँ के हृदय द्रवीभूत होने पर तभी ये दूध उतरती है, इसलिए उससे ये श्रेष्ठ है, वो प्रेम से ये श्रेष्ठ है। इसलिए कहते प्रभु हमारे अंदर में ऐसे उत्कंठा रहे। लेकिन इसमें भी देखा कुछ स्वार्थ है, और उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया प्रियाम प्रिय व विशताम विषम, कहते जैसे एक पति प्रथा नारी जैसे पति की सेवा करती है। तो उदाहरण दिया एक समय दो पति पत्नी रहते थे, अभी पति को 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाने का पड़ गया, पत्नी से बोले देखो मेरे को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी कहती तू चले जाओ तो भाई अकेले क्या करो, मैं श्रृंगार क्यों करती हूँ तुम्हारे लिए, तो श्रृंगार करती हूँ, खाना क्यों बनाती हूँ तेरे लिए खाना बनाती हूँ, घर का साफ क्यों करती हूँ तेरे लिए साफ करता हूँ, हैं रसोई क्यों तुम्हारे लिए, जो कुछ करती हूँ तो तुम्हारे लिए भी करती हूँ, सारे जीवन तो तुम्हारी सेवा के लिए, अगर तुम चली जाओगे तुम अकेले क्या करोगी। बोले देखो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा 10 दिन के लिए, बहुत जरूरी था, लेकिन पहले गांव के अभी भी गांव की माता है लिखी बड़ी नहीं होती। बोले मेरे को पता कहीं चलेगा 10 दिन कब हुआ और तू कब आओगे। बोले देखो मैंने ये दीवार में 10 लाइन काट देता हूँ, जब एक दिन जाएगा एक लाइन को मिटा देना, दूसरे दिन जाएगा दूसरे लाइन, जब एक लाइन रह जाएगी ना समझना उसी दिन में आने वाला। अभी पति चला गया, पति चला गया, पत्नी का शरीर में जितने श्रृंगार किए सारे श्रृंगार करते रहते। बोले क्यों श्रृंगार जिसके लिए करता हूँ वो श्रृंगार को तो है ही नहीं, तो श्रृंगार किसके लिए करो, श्रृंगार को सारे उतार कर रख दिए हैं, पहले बिछड़ा को अच्छे तरह सजाती थी, बिछड़ा को सजाती नहीं, नया बेडशीट लगाती नहीं, खाना पहले पति के लिए बना देती, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी, अभी खाना ऐसे किसी तरह से खाना बना कर खा लेती, ऐसे ही जीवन को बिता रही, और एक दिन जाने पर एक लाइन को मिटा देती है, दूसरे दिन जाने पर दूसरे लाइन को मिटा देती है, लेकिन जितने कम लाइन रहता है ना उसके हृदय को उसको उत्कंठा, ओ अब 3 दिन रह गया, अगर 2 दिन रह गया और 2 दिन रह गया, बाद में एक लाइन रह जाता है ना कल आ गया, ये मेरे पति कल आएंगे, इसलिए वो क्या करते उसको पता है ना पति को क्या क्या प्यारा है, रात भर तक बढ़िया बढ़िया उसके लिए जो जो प्यारा चीज़ है ना ला ला कर रखती हैं, और सारा रात्रि उसके लिए खाना बनाती है और गर्म पानी रख करके दरवाजे के सामने बैठ जाती है, आज पति आने वाले ऐसे देखती रहती है, राहत देखती है पति कब आएंगे, और जो पति को देखे आ गए इतने आनंद उसको अंदर, इतने आनंद पति आते ही चरण धोती हैं, चरणामृत लेती हैं, पति को स्नान कराती हैं, पति को स्नान करा के फिर तो पति को सामने जो जो खाना है सब खाना को रख लेती है पास में पंखा लेकर के, पहले तो प्यार नहीं होता था, पंखा से उनको पंखा झुलाती रहती है और उसको जो जो प्यारा प्यारा चीज एक एक दे दे करके उसको खिलाती है। बोले प्रभु जैसे ऐसे के पति व्रता नारी जैसे पति की सेवा में तन मन सब कुछ दे देती है,
प्रभु तुम्हारी चरण में हमारी ऐसे प्रीति हो, दिन भर तेरी में सेवा करते रहो, तेरे सुखी में सुखी और तेरे दुख में दुखी रहो, मेरे को ऐसे प्रेम और ऐसे उत्कंठा दो। यहाँ पर जो पति पत्नी उदाहरण दिया ना, यहाँ भी थोड़ी सी स्वार्थ है। बोले क्या स्वार्थ है? पति की ऊपर में पत्नी संपूर्ण डिपेंड करती है। पत्नी खिलाए, पति खिलाएगा तो पहन नहीं, पति साड़ी लाएगा तो वो पहनेगी, पति देगा तो वो खाएगी, संपूर्ण पति ही उसका जीवन का सब कुछ पति पर निर्भर, पति कमा करके खिलाता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते प्रिया, जैसे एक प्रेमिका एक प्रेमी को जैसे प्रेम करते, उदाहरण दिया गोपियाँ, ये गोपियाँ कृष्णा, इसलिए गोपियाँ कभी कभी कहते हैं बोले तू हमें थोड़ी खिलाते हो, तू तो थोड़ी हमें पहनाते हो, हम तो अपना घर से खाते हैं, अपना घर से पहनते हैं और तुमको हम प्रेम करते हैं, तू हमारे लिए साड़ी नहीं खिला कर देते हो, तू हमें खाना नहीं देते हो, हम तो संपूर्ण निस्वार्थ होकर के हैं, निस्वार्थ होकर के हम तुम्हारी सेवा करते हैं। इसलिए प्रिया गोपियाँ जैसे संपूर्ण तन मन सब कुछ दे दिया, इसलिए कृष्ण कहते हैं न पार अहम निरपत्यम स्वसाधु कृत विबुधाय गोपियाँ, अगर ब्रह्मा जैसे अगर मैं परमायु ले लूँ कभी तुम्हारे ऋणी को मैं चुका नहीं सकता, क्यों? तुम लोग ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, घर द्वार पति पुत्र सारा दुनिया को त्याग दे करके तुम लोग मेरे प्रति प्रेम नहीं किया है ना, मैं कभी भी तुम्हारे ऋणी को मैं कभी उतार नहीं सकता। पर लास्ट में कहते हैं मम उत्तम श्लोक जनेश सत्य संसार चक्र ममेद स्वतंत्र प्रभु, अपना कर्म हाँ अपना कर्म फल में मैं जहाँ पर संसार चक्र में तू भ्रमित नहीं रहो, प्रभु मेरे को केवल एक चीज दे दो, क्या चीज है? मम उत्तम श्लोक जनेश सत्य, मेरी जो प्रीति है ना, मेरी जो प्रेम है ना, तुम्हारी भक्तों में तुम्हारी प्रेम, इसमें प्रेम हो, बोले तुम्हारी भक्तों में प्रेम हो जाए। बोले क्यों? भक्तों में प्रेम क्यों चाहते हैं? कहते कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, जब तक तो साधु संग नहीं होगा ना कृष्ण भक्ति हम नहीं, भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों का हृदय, भगवान भक्ति से मिलते हैं, लेकिन भक्ति मिलेगा कैसे? बोले साधु संग से, भक्तिस्तु भगवत भक्त संग ना परिजायते, भक्ति लोग याद नहीं है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजाय, भक्ति कैसे मिलेगा? बोले भक्तों के द्वारा ही भक्ति मिलेगा, बोले भक्ति का जो मूल है भक्त, भक्ति का मूल कौन है? भक्त। अभी दुनिया में इसलिए भगवान कहते भक्तों का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि भक्त ही मेरे नाम रूप गुण को जगत में प्रचार करते हैं, तभी लोग मेरे को जानते हैं, तभी मेरे को लोग जानते हैं। इसलिए कहते मेरी जो संग भक्तों का संग हो, जहाँ भी मैं इसे भ्रमण करते रहो तुम्हारे भक्तों का संग मेरे को नहीं छूटे। बोले भक्तों का संग क्यों चाहते, क्या कार्य? बोले कारण ही कहते हैं, एक होता है थियोरिकल और एक होता है प्रैक्टिकल, एक थियोरिकल एक प्रैक्टिकल, लेकिन ग्रंथ तो पढ़ लेंगे लेकिन हमें क्या करना, क्या कैसे करना, कहाँ से पता चलता है? भक्त से, क्योंकि जो भक्त है कहते मत्कथा मद्गता चिंता बोधयते परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च नमः, जो भक्त है ना 24 घंटा भगवान कहते मेरी कथा मेरे नाम मेरी रूप मेरी गुण मेरे लीला मेरी नाम भक्ति में वो डूबे रहते हैं। जब हम एक बच्चा सीखता है कहाँ से? पिता माता से ना, पिता माता जैसे कहते देख देख अपने आप सीख जाता है, हैं? इसलिए जब भक्तों का संग में हम रहेंगे, जब हम उनकी परिवेश हमें मिलेगा, उनको देख देख कर देखो सवेरे उठ करके इतना सवेरे उठ करके लग लगा कहानी करते हैं, भगवान की आरती गाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिकथा सुनते हैं, समय मिले तो इधर उधर का कोई दुनिया की कोई बात नहीं, हरी चर्चा ही करते हैं, हरी नाम ही करते हैं, प्रभु की भजन में ही संपूर्ण समय को डुबा देते हैं। जब इस चीज़ को देखता है ना, अब पिता माता जैसे करके बच्चे तो वैसे कर जाते हैं, बच्चे तो वैसे करते हैं, इसलिए कहते हैं प्रभु हमारी जो प्रीति जो प्रेम है उत्तम श्लोके जनेश सख्य, इसलिए हमारी जो सख्य सख्य मतलब प्रेम सबके साथ नहीं करनी चाहिए, गेरे गेरे उल्टा पुल्टा संगत में हमें नहीं बैठनी,
चाहिए, क्योंकि संघ ही रंग बदलाता है, संघ हमें रंग बदलाता है। जैसे संगत में बैठेंगे हमें रंग भी आएगा, है अगर भक्तों का संघ में बैठेंगे तो हमारे अंदर में क्या आएगी, भक्ति आएगी। उल्टा पुल्टा संगत में बैठेंगे तो फिर धीरे 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 फिर उनके जैसे बन जाएंगे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया संगत हमें बढ़िया बन जाएगा, साधु संघ स्वर्गवास, बढ़िया बन जाएगा साधु संघ स्वर्गवास, असत संघ सर्वनाश, असत संघ सर्वनाश और साधु संघ स्वर्गवास। इसलिए सबसे पहले हमें जिसको साथ में उठना बैठना हमें पहले देखनी चाहिए व्यक्ति कैसे है, सबसे पहले देखें हैं। भक्तों का संग में बैठेंगे तो हरी कथा बोलेंगे, संसार की बात दुनियादारी की बात नहीं बोलेंगे, भगवान के फैसले के तौर प्रभु हमारी जो सख्या जो प्रीति है उत्तम श्लोके जने से सख्य। इसलिए भक्तों को साथ में हमारी प्रीति हो प्रेम हो फिर तो आपकी भक्ति हमारी बनी रहेगी। इसलिए श्री चित्रकेतु महाराज को ही वृत्रासुर बने थे, पहले जीवन कहते हैं कि राक्षस का अंदर में इतनी भक्ति कहाँ से आई, एक राक्षस पर भक्ति करता है पर भक्ति क्या थी, बोले पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु महाराज थे, भगवान के शंकर चरण को शिष्य थे, लेकिन कुछ अपराध होने का नाते माता जी के चरण में कुछ अपराध होने तो उन्होंने अभिशाप दिए, अभिशाप की वजह से उन्होंने ये राक्षस जन्म प्राप्त किया। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं जो भक्ति है कभी घटेगी नहीं, जैसे इसी जीवन में जो हम भजन कर रहे हैं ये भक्ति अगले जीवन में कितना दिन दिन बढ़त सवाल पायो जी मैंने राम रतन, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। इसी जीवन में हम जितने भक्ति करेंगे अगले जीवन में भक्ति बढ़कर प्रकट होगी, घट करके नहीं, भक्ति हमें हर समय बढ़ करके भक्ति प्रकट होगी। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद मन चागुर दुर्गन सृपा।